ये पुलिस है कि वो बना है नक्सली है क्या है पुलिस की नक्सली अगुड़िया लो कैसे हो अरे एकदम शर्मा के भाग रहे हैं। अच्छा ये तुम हरदेव है नहीं बूढ़ा देव बूढ़ा देव अच्छा जय बूढ़ा देव मनीषा वाह और ये संगीता और आपका कितना बारीकी से आप लोग देखो बहुत कुछ बना हुआ है इसमें तो यहाँ पानी भर रहे हैं दीदी लोग और दीदी तुम ना यहीं के पानी भर था ना नल में नहीं लगे है क्या बोला दीदी नहीं है नल के अच्छा नल नहीं है अच्छा अच्छा बोरिंग के पानी भर था तो इस तरह से पानी भरते हैं अपना जीवन यापन मतलब पानी पीने के लिए या फिर बर्तन सब धोने के लिए ना यहीं के पानी को भरते हैं इन लोग और इतना वजन पानी है उसको सिर में लेके जा रहे हैं ये पहला और दूसरा कि ये बाल्टी में लेकर जा रहे हैं तो पास ही में एक छोटा सा वो घर है बहुत ही प्यारा सा यूं से यहाँ कुछ बच्चे लोग हैं चलो इनसे मिलते हैं देखते हैं लोग क्या कर रहे हो कैसे हो क्या क्या नाम है मुकेश वाह तो नाम ननी मनीषा वाह और ये संगीता और आपका क्या नाम बाटू बाटू वाह स्कूल सब जाते हो कौन सा क्लास में चौथी में पढ़ते हो अच्छा क्या महुआ बन रहा है क्या अरे वाह तो इसको निकालोगे निकालने के बाद अभी सुखाएगा ये तो अभी दोस्तों ये तैयारी कर रहे हैं महुआ दारू बनाने का ये पहला प्रोसीजर है बगल में पानी भी रखा हुआ है और यहाँ बर्तन सब धो के रखे हुए हैं तो गोदी तो हर समय नहीं चले ना अच्छा बनी भूती और एक दिन काम करके कितना पैसा मिले डेढ़ सौ रुपए एक दिन का इधर तो यहाँ पास एक बहुत ही खूबसूरत सा देखो घर दिखाई दे रहा है और इस घर को चलो हम लोग देखते हैं कितना मस्त देख सकते हो ये पूरा यहाँ देखो बैल वगैरह रखने के लिए बनाया गया है और ये घर देखो आप लोग दोस्तों हम लोग आगे आते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर घर मिलते हैं देखो काफ़ी हाइट के घर मिले हैं यहाँ देखो तो यहाँ काम चल रहा है ये देखो कुछ साफ सफाई कर रहे हैं भैया लोग भाई लोग हैं दीदी लोग हैं ये देखो तरह से तो यहाँ देखो इस तरह से मेज के मतलब इसको रखे हुए हैं और जितना भी कचरा था वो सबको निकाले हुए जो मेन मेन बच्चा है उसको अभी निकाले हैं और यहाँ से उड़वाएंगे इस तरह से दोस्तों ये सफाई कर रहे हैं मसूर का दाल है ना मसूर अच्छा इसको थ्रेसर से भी मिसाई करते हैं थ्रेसर से भी मिसाई करते हैं थोड़ा सा है तो वो तो उसी में चला जाता है ना हाँ ठीक है दाना जब उसमें उड़ जाता है अच्छा अभी मार्केट में क्या रेट हो गया मछली का अभी इसका रेट 5,000 रुपए क्विंटल अच्छा 5,000 रुपए क्विंटल वाह भैया बहुत ही अच्छी बात है और तो एक बस थोड़ा सा है हाँ काम आ जाएगा अच्छा और ये घर आप ही का है अच्छा देखो कितना प्यारा सा मस्त घर है ये देख सकते हो इधर पूरा तो घर तो काफ़ी बड़ा है वैसे और यहाँ कुछ घर के सामने कुछ लोगो भी बनाया गया है ये देख सकते हो ये लोगो बना हुआ है कुछ लिखा हुआ है मुझे तो पता नहीं और इधर भी फूल टाइप से बना हुआ है ये पुराने दरवाज़ा देखिए आप इस तरह से और चलो मैं अभी आप लोग को और भी लेके चलता हूँ आगे ऐसा कुछ घर है यहाँ का ये कुछ अंदर जाने का रास्ता है दरवाज़ा है इस तरह से अंदर का है ये देखो और भी काफ़ी मस्त मस्त लग रहे हैं भाई काफ़ी हाइट का घर है कुछ बना हुआ है यहाँ देखो कुछ निशान अभी कुछ देवी देवता का प्रतीक है ये तो मुझे पता नहीं बोल सकता और कोई भैया लोग भी यहाँ हैं नहीं कि बताने वाले बाकी ये देखो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा गांव है इसी दोस्तों हम लोग गांव के अंदर आते जा रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे घर दिखाई मिल रहे हैं मतलब देखने को मिल रहे हैं
काफ़ी सुंदर सा। चलिए और भी दिखाते हैं बाकी। ये कबीर धाम का मतलब कबीर धाम ज़िले का बहुत ही प्यारा सा एक गांव है। तो जैसे ही हम आगे आते हैं तो हम लोग को एक और भी घर दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये भैया का ही घर है। दादा तुम्हारे घर है ना ये? दूसरा। अच्छा, दूसरों का घर है। तो इस तरह से आप देखो ये अच्छा घर वाले के नाम धनी राम है। तो कितना मस्त देखो ये पेंटिंग किया गया है, मतलब दीवार पे बनाया गया है। ये पुलिस बनाया गया दादा, ये पुलिस है कि वो बनाया है नक्सली है? क्या है, पुलिस की नक्सली? अच्छा, तो बता नहीं रहे हैं। बाकी बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ये आर्ट। और इसमें भी देखो, ये अपना आर्ट को दर्शाया गया है इसमें दरवाजा में। कितना बारीकी से आप लोग देखो, बहुत कुछ बना हुआ है इसमें। स्वास्तिक भी बना हुआ है, कितना मस्त लग रहा है ना। तो ये अंदर से कुछ दिखाई दे रहा है, ये धान रखने के लिए बनाया गया है स्पेशल, क्योंकि इसमें चूहा सब कुछ खाते नहीं हैं। और यहाँ देखो तो ये पर्ची में लकड़ी का बनाया गया है, और ये लकड़ी लगभग 10 से 15 साल का है बता रहे हैं। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है इसको। 20 साल? अच्छा, मतलब काफ़ी पुराना है। अच्छा, उसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ देखो घर देखो, गांव देखो, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मस्त एकदम साफ़ सुथरा है, किसी प्रकार का कचरा भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ दूर दूर तक देखो आप लोग दोस्तों, यहाँ पे बैलगाड़ी का एक भाग दिखाई दे रहा है, बाकी तो ये टूट ही गया है। बस इसको छेंकने के लिए अब लगा दिए हैं इस तरह से। ये देखो, और चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक सयानी जो है दही है वो जा रहे हैं। बच्चे लोग यहाँ देखो किस तरह से मस्त खेल रहे हैं, एकदम मस्त अपने में। अगुड़िया लोग कैसे हो? अरे एकदम शर्मा के भाग रहे हैं। अरे बाप रे, इतने शर्मा के कैसे भाग रहे हैं एकदम। कितने गांव में देखो अगर कैमरा चालू हो जाता है तो कितने शर्मीले होते हैं। और दादा जय जवाहर, और क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? जगत नाम है तुम्हारा? अच्छा अच्छा, और तुम्हारा घर यही है? अच्छा अच्छा, तो बहुत पुराना घर है लगभग। तो कितना साल हो थे लगभग? कितना साल हो गए लगभग ये घर? अब तेरी बता मरुमल। नहीं नहीं, ये घर मन कितना साल हो गए? तो वही तो बता दो, तो बता करना। लगभग वही 55 साल आसपास। ना भाई, हाँ 55, 50, 55 हो गए, हो गए ना? हाँ हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तुम्हारे देव है नहीं? बूढ़ा देव, बूढ़ा देव। अच्छा जय बोलो दोस्तों। ये पूरे गोंडा टाइप से बिलोंग करते हैं, तो ये इनका देव स्थल है। तुम्हारे क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? इतने शर्मीले हैं देखो। स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो? कौन सा क्लास में हो? आठवीं में। क्या नाम है? सुभाष। आपका भाई क्या नाम है? संजीव। संजीव आपका कौन सा क्लास में हो? छठवीं में। आप उन लोग से देखते हैं देखो कैसे शर्मा के भाग रहे हैं। दादा बैठे हुए हैं। और दादा का जय जोहर। अरे कुछ नहीं, अरे वो कुछ खास देखे में, वो प्याज सबला रखी नहीं, का है ऊपर ना? क्या नाम है ऊपर? अरे नहीं नहीं, वो जो बनाई नहीं ऊपर का है? हाँ नहीं नहीं, वो जो प्याज ला टांगी नहीं वो का है ऊपर में? हाँ हाँ, मिर्गा बोलते हैं। मिर्गा? हाँ शादी में। अच्छा वो शादी के हैं? शादी के है। अच्छा मतलब शादी के रीति रिवाज है वो? हाँ, रिवाज। अच्छा अच्छा, दोस्तों ये बता रहे हैं कि ये शादी का रीति रिवाज है इस तरह से। ये देखो ये गोंड टाइप में होता है, और यहाँ हुआ था शादी। जैसे कि ग्रामीण अंचल में, जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में, इस तरह से देखो दीवार पे नाम लिखा जाता है। और ये पूरे गोंड टाइप से हैं, मेरा भी परिवार है। तो यहाँ दोस्तों देखो कितना मस्त जो बाबू है वो सामने में बैठा हुआ है, और भाई जो है साइकिल चला रहा के कितना मस्त लग रहा है। और एक जो नोनी है, इसको आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, तो वो अभी आई है यहाँ दुकान पे।